गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। और खुश आमदीद आप सभी को मेरे ब्लॉग में। और अभी जो है ना, मैं मेरी सिस्टर के घर पे जो है अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ। उसकी एनिवर्सरी और उसके हस्बैंड का बर्थडे दोनों का साथ में है, तो दावत दी थी, तो बस वहाँ पर उसकी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चिकन ली हूँ, कुछ 2.5 kg 15 लोगों के लिए। और यहाँ पर इसे मैं नींबू और नमक से पहले मैरिनेट करके रख दे रही हूँ। उसके बाद जो है, जब तक ये मैरिनेट होगा, हम दूसरे मसाला असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ देखें, मसालों को मैंने इकट्ठा कर ली हूँ। इसमें ली हूँ कोतमीर, अदरक, लहसुन और पुदीना, ये 4 चीज़ इसमें हो गई। और यहाँ पर ये है काजू, हरी मिर्ची और ये प्याज। और ये ली हूँ थोड़े से मैंने दही, दही और भी मंगानी है और आ रही है दही। और ये ली हूँ क्रीम है, फ्रेश क्रीम। तो ये सारी चीज़ें जो है ना चिकन में जाएगी अभी मैरिनेट होने के लिए। सारे मसालों को हमें पीस लेना है और पीस के ना चिकन में ऐड कर देना है। तो चले पीस लेते हैं पहले। तो मसाले सारे मैंने पीस ली हूँ और ये जो मसाले हैं ना, इसमें पहले मिक्स कर देंगे। और दही को फेंट कर ऐड करना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी है, मैंने इसे ना थोड़ा सा रोस्ट कर ली हूँ, ताकि इसे अच्छे से जब ये रब करेंगे ना, तो ये इजीली भुखा हो जाएगा। और इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। काली मिरी पाउडर ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को मैंने मैश कर दी हूँ, मसल दी हूँ, ताकि ये भुखा हो जाए। और इससे ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। दही मैंने फेंट ली हूँ, अब ये इसमें मिक्स करें या इसमें डायरेक्ट ही डाल देना है। ये सारी चीज़ें उठा के चिकन में मिक्स कर देना है और अच्छे से जो है चिकन को मिक्स कर लेना है। मैरिनेट हो गया है, अब इसे ना फ्राई करना है। तो ऑयल, बटर, जो भी आप डालना चाहे, ऑयल में थोड़ा सा बटर लेके इस शेलो फ्राई कर लेना है। तो खाली अभी इसमें से ना चिकन के पीसेस उठा उठा कर हमें इसमें डाल देना है। इसे एक दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पहले भून लेना है, फिर इसे पलटी करके फिर इसे कुक कर लेंगे। तो इसे ढक देते हैं एक दो मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए, मैंने ना ये बॉईल कर ली थी, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची और कोतमीर सब पीस कर डाली थी। और पानी डालकर, नमक डालकर बॉईल कर ली थी सब चिकन को। और अभी शेक करके ना आलू मिक्स कर रही हूँ। तो आलू वगैरह मिक्स हो गया है, तो अभी इसकी टिक्की बना रही थी। बस जो साइज़ आपको पसंद हो उस साइज़ की टिक्की बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए, सारे कबाब को मैं बना ली हूँ। अभी इसे कोटिंग करके बस फ्राई करना रहेगा, तो ये बाद में करेंगे। और यहाँ पर सारे चिकन को मैंने ना भून ली हूँ। अब इसे गैस पर, या फिर आपके पास जाली हो तंदूर फ्राई करने वाली, तो उस पर कर ले, या फिर इस तरह से कर ले। इस तरह से इसे तंदूर फ्लेवर देंगे हल्का सा। अरे चिकन को जो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। मसाला भुनने रख देती हूँ मैं। अब यहाँ रख देते हैं मसाला भुनने के लिए। पतीली चुका है, तेज़पत्ता और खड़े मसाले जो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैं इलायची और लौंग डाल रही हूँ, और बटर भी डाली थी तो वो भी मेल्ट हो गया। मैं थोड़े टाइम के लिए बंद कर दी थी गैस। ना उठा के हमें मसाले जो हमने ये ग्रेवी के जो थे ना मैरिनेट किए हुए चिकन निकाले थे, ये सारे मसाले हैं इसमें ही डाल देना है। अच्छा, तो मैं मैरिनेट करते समय ना चाट मसाला डालना भूल गई थी, तो अभी मैंने डाल दी हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। मसालों को अच्छे से भून लेना है। याद रखें कि काजू है ना, तो ये नीचे से पकड़ने लग जाते हैं, तो इसे बस चलाते रहें। और जब मसाला भून जाए तो उस पर हमें चिकन डालकर फिर उसे अच्छे से कुक कर लेना है। चिकन का कीमा है ये, और ये बारीक बारीक कोतमीर कट की हूँ। अब इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, काली मिरी पाउडर, रेड चिली की जगह ना मुझे वो कुटी हुई रेड चिली ऐड करनी थी, लेकिन वो है नहीं, तो इसलिए मैं बुक्की मिर्ची ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक ऐड की हूँ और अदरक लहसुन को मैंने कूट के ऐड की हूँ, इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे मिक्स करके अच्छे से रख देंगे साइड में। अच्छा, तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ जो है ना मेरी सिस्टर जो है ना वो कोट करके दे रही है और मैं फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने राइस का आधा हन भी रख दी हूँ तड़का दे के।
ये क्लिप है ना कल रात की है। हम लोग घर से पिछले रात में ही आए थे और 12 बजे फिर केक कट किए। मेरी छोटी सिस्टर, उसकी एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी के 2 दिन बाद ही जो है उसके हस्बैंड का बर्थडे आता है। तो दोनों चीज़ें जो है बर्थडे के दिन उसने रखी है, यानी कि एनिवर्सरी और बर्थडे जो है साथ में मना रही है दावत देकर। तो कुछ फैमिली मेम्बर जो हम लोग के, मेरी अम्मी अम्मी के घर के साथ आ रहे हैं। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी थी, खाना वगैरह बनाना था, इसलिए हम लोग रात में आ गए क्योंकि सुबह में पता नहीं कब आते आते क्या कब सो के उठते फिर रेडी होते आते बहुत लेट हो जाता, तो इस वजह से रात में ही आ गए ताकि जब भी उठे यहाँ पर नाश्ता करें और थोड़ा बहुत जो है हेल्प करा दें। अकेले अकेले खा रहा है। हाँ लाल डाला अच्छा उसको मेरे पास आने का है। ए प्रैंक केक लेके आया कि नहीं, प्रैंक केक लेके आया कि नहीं, वीडियो निकलना पड़ेगा।
भाभी मना कर रहे तो बात कर सकते। क्लीन कर लिया है और एक्चुअली ना वो केक थोड़ा बासी था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए सब खेल के खत्म कर दिए। तो यहाँ पर है राइस, चीज रोल, यहाँ है कबाब और ये रहा चिकन अफगानी, ये रहा डिजर्ट। डिजर्ट है ना हम लोगों ने सुबह में ही बना लिए थे और उसकी मैंने कुछ शूटिंग वगैरह नहीं की थी क्योंकि मैं ये आपके साथ पहले भी शेयर कर सकती हूँ, तो उसकी लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां से आप देख सकते हैं। नहीं खाली खाने के लिए तुमने। तो डिनर वगैरह करके ना हम लोग निकल गए थे और बहुत थके हुए थे, तो बस ये वीडियो मैं आज यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सपोर्टिंग दिस चैनल।